बैक टू माई चैनल एंड आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अभी मैं जहाँ इस वक्त बैठा हूँ वो है इंडिया का फर्स्ट हेरिटेज होटल, दैट इज अजीत भवन जोधपुर में। कई दिन से मेरा प्लान था कि कभी टाइम निकाल के यहाँ एक विजिट करते हैं, बट मौका मिल गया और काफ़ी अच्छा यहाँ का एम्बियंस है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है मेरा रूम। तो चलिए एक छोटा सा विजिट कराते हैं अपने रूम का। All night long, yeah. We dance with our razor tongues and all day long, yeah. We reset under burning sun, catching the waves, inhale, exhale. Reminiscing the bygone time, laugh till we cry, days flying by, flying by. Love on delay, push play, let it roll and take you away. Love for a day, replay, we don't care about what they say. And I go on, nah, nah, and you go on, nah, nah, no love on a holiday. We're running too fast on fumes and all day long, yeah. Lying around with our favorite tune, slumber away, inhale, exhale. Dreaming about summer nights with you, sweeter escape, dream wide awake, yeah. Away. Love on delay, push play, let it roll and take you away. Love for a day, replay, we don't care about what they say. And I go on. फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ये टेंट हाउस भी हैं, जहाँ आप देख सकते हो कि ये प्राइवेट स्पेस आपको अच्छी मिलेगी एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स ये है अजीत भवन का मेन गेट जो कि पब्लिक के लिए ओपन है, एंड दिस जो पर्टिकुलर पोर्शन है दैट इज़ द प्राइवेट प्लेस जहाँ अभी भी रॉयल फैमिली रहती है। एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पर। सो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी फाइन डाइनिंग एरिया है, ये 10:30 बजे तक रात तक ओपन होती है, आप यहाँ पर बैठ के डिनर कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारा सा एक म्यूज़िक चलता रहता है यहाँ पर, डैट यू कैन लिसन। तो दोस्तों रात में ये जो स्विमिंग पूल है वो और भी खूबसूरत लगता है, आप देख सकते हो इसका जो आर्किटेक्चर है इज सो ब्यूटीफुल। सो दोस्तों जैसा कि आपने दिन में देखा कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो कितना खूबसूरत है, बट रात में जो यहाँ की इन्होंने लाइटनिंग कर रखी है वो बहुत ही एक सूदिंग सा प्लीजेंट सा उन्होंने कर रखा है। तो यहाँ ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही हाई फाई आपको लाइट दिखेगी, तो जहाँ पे जिस गली में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लाइट है, तो एक बहुत पीसफुल सा यहाँ पे इन्वायरमेंट आप एकदम रिलैक्स कर सकते हैं। तो कुछ रात के और व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अजीत भवन रात में कैसा लगता है, तो लेट्स गो।
दोस्तों ये है यहाँ के मॉर्निंग का व्यू मेरे रूम से सीधा। आप देख सकते हो कितना अच्छा मौसम हुआ है यहाँ पे। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है अजीत भवन का सबसे अच्छा लोकेशन, जहाँ से आप पूरे जो यहाँ अजीत भवन है उसको देख सकते हो बहुत अच्छे से। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ कितना खूबसूरत एक रूम है। तो यहाँ बेसिकली डिफरेंट वैरायटी ऑफ रूम मिलते हैं, जैसे डिलक्स रूम, लग्जरी रूम, प्रेसिडेंट सूट रूम और अजीत भवन के स्पेशल रूम। तो ऐसे कई सारे वैरायटीज़ है, तो अलग जिनकी लोकेशन अलग अलग है। तो आप ये देख सकते हो मेरे पीछे, दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो दोस्तों वहाँ आप देख सकते हो कुछ झूले लगे हुए हैं, यहाँ आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो स्विमिंग पूल के पास, और यहाँ पे आप बैठ के यहाँ पे सीधे ड्रिंक भी ऑर्डर कर सकते हो, सो डेट आपको कहीं जाना जाना ना पड़े। और ये मीन्स यहाँ ऑर्डर की भी फैसिलिटी है यहाँ पे। फ्रेंड्स ये मेरे पीछे है यहाँ का डाइनिंग एरिया, सो वी आर गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट। What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. मसाला डोसा ओके, और पराठे पराठे किचन से तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट तो हमने अच्छे से कर लिया है, और आज ही 12 बजे हमें बाहर भी मीन्स चेकआउट करना है। सो नाउ इज पूल टाइम, थोड़ा सा वहाँ इन्जॉय करेंगे और मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बताऊंगा। तो फ्रेंड्स पूल तो काफ़ी इन्जॉय किया मैंने, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पे अगर आपके पास बच्चे हैं या मीन्स अगर आप एक प्रो स्विमर हो तो हर किसी के लिए यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। मीन्स 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट तो हर तरीके से है यहाँ पे, और उसके बाद से आप यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो। और कोई किसी टाइप का यहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मीन्स आप 7 बजे सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक कभी भी आप अपने कम्फर्ट जोन में आके यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा व्यू है, आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे आप बैठे बैठे आप कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करनी हो तो आप ड्रिंक्स भी ऑर्डर कर सकते हो, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये जिमनेजियम भी देख सकते हो, इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, हमेशा ओपन रहता है ये। सो हियर यू कैन सी।
सो फ्रेंड्स नाउ इट्स टाइम टू चेकआउट दिस पर्टिकुलर रिजॉर्ट एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। हमने जो रूम यहाँ पे लिया था डेट वॉज द लग्जरी वन एंड इसकी जो कॉस्टिंग थी डेट वॉज अराउंड 12,000 रुपीज फॉर वन नाइट। एंड यहाँ पे कई वैरायटीज़ के रूम मिलते हैं, जैसे आपको लग्जरी टेंट, डिलक्स रूम, विंटर सूट, एजाय सूट करके डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, जिनकी रेंज मीन्स आप स्टार्ट कर सकते हो 8,000 रुपीज़ से एंड इट कैन गो अप टू 50,000 रुपीज़। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट फैसिलिटीज़, रूम का साइज़ क्या है, वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग है। तो एक बात तो बनता ही है, जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार ज़रूर ट्राई करना इसे। सो व्हेन एवर यू आर मूविंग आउट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको अपने वैल्यूड कमेंट्स लिखने का। तो आपको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा आप यहाँ पे शो कर सकते हो, देयर इज एवरीथिंग दैट यू कैन लीव हियर। और यहाँ पे कुछ एनवेलप भी प्रोवाइड किए हैं, कुछ आपको कमेंट्स यहाँ लिखना, देन देयर इज अ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर दिस एंड सब कुछ है यहाँ पे। सो आई एम गोइंग टू राइट ऑन माई एक्सपीरियंस ओवर हियर। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है कि आफ्टर चेकआउट आप मैक्सिमम 7 डेज के लिए अपना लगेज यहाँ पे रख सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। तो डैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप यहाँ पे आओगे आपके पास कुछ लगेज होगा और आपको नियर बाई प्लेसेस पे अगर आपको जाना है तो आपको एक लगेज का हमेशा इशू रहता है। तो जैसे अभी मेरी ट्रेन जो है वो शाम को 7 बजे है, तो यहाँ पे क्या है कि अभी मैं लगेज यहाँ पे रखूँगा और उसके बाद दिन भर अपना घूमेंगे, फिर शाम को अपना लगेज लेते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। और इसका जो लोकेशन है वो डेट इज़ वन ऑफ द प्राइम लोकेशन। जैसे यहाँ से मैथ भवन 1 किलोमीटर पे है, मेहरानगढ़ फोर्ट आपका यहाँ से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, तो आप ये सारी चीज़ें विजिट कर सकते हैं एंड उसके बाद से आप अपना लगेज लीजिए एंड यू कैन गो योर डेस्टिनेशन। तो डेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे जैसे अगर आपको ब्यूटिशियन, बार्बर या फिर से आपको फोटोग्राफर हायर करने हैं तो वो सारी फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे। उसके अलावा भी कई सारी और फैसिलिटीज़ हैं, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स द एंटायर थिंग इज़ कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा था, रॉयल लुक था यहाँ पे, खाना पीना भी, जो ब्रेकफास्ट था दैट वाज वेरी गुड। सो अगर जेब में थोड़े से पैसे हों और थोड़ा सा आपके पास टाइम हो तो एक बार तो विज़िट यहाँ करना ज़रूर बनता है। यहाँ की चीज़ों को आप देखो, इन्जॉय करो। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आते हो, फैमिली के साथ आते हो, तो डेफिनेटली आप इन्जॉय करोगे। एक दिन का स्टे यहाँ काफ़ी है, सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आई अकॉर्डिंग टू मी आई मस्ट से कि जरूर यहाँ पे एक बार विजिट करो। नाउ इट्स टाइम फॉर चेकआउट। तो दोस्तों अब ये वक्त आ गया है कि इस अजीत भवन को अब हम लोग चेकआउट कर दें। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, वन नाइट का स्टे था और सब कुछ आपने देखा, काफ़ी इन्जॉय किया हमने। सो अगर आपको भी टाइम मिले, थोड़ा सा पैसा लगना है, तो प्लीज़ आप यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट करो एक्सपीरियंस के लिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना एंड टिल देन हैव अ गुड डे।